कल चोर पकड़े गए हैं और जो कि ढलान के आसपास मोबाइल पिक पॉकेटिंग की यही जो है आपका स्नेचर थे, मोबाइल फोन स्नेचर थे ये, और इनका स्नेचिंग का ही काम है। और पहले भी कई सारी उस जगह पे वारदातें हुई हैं और कल ये लोग कुछ पकड़े गए हैं और उनके पास से 5 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। और ये हमारे जो पड़ोस के लड़के हैं उन्होंने पकड़ा है, और मेरी गली के ही लड़के हैं उन्होंने पकड़ा है इनको, और 5 मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद किए गए हैं और जिनके फ़ोन थे वो उनको हैंड ओवर कर दिए गए हैं इस केस के अंदर, और उनकी अच्छे से सर्विस कर कर। तो ये वाकया क्या था, किसका फ़ोन उन्होंने छीना था उस वक्त? आपने लड़की वगैरह के फ़ोन छीन रहे थे वहाँ पे, कोई लड़की वॉक वगैरह के लिए लोग आते हैं अक्सर, जो जाकिर नगर वेस्ट है वहाँ से जो है लेडीज़ वगैरह भी रात में वॉक करती हैं, जेंट्स भी अमूमन वॉक करते हैं। और ये हमेशा से मैं अपने बचपन से देखता रहा हूँ, सालों से देखता रहा हूँ कि एक रूटीन है, लोग अक्सर वहाँ पे वॉक करते हैं और इस रूट को अपनाते हैं। बहुत से लोग तो गड्ढा कॉलोनी के अंदर वॉक कर लेती हैं लेडीज़ वगैरह जो होती हैं, बहुत सी लेडीज़ ढलान तक भी आती हैं, अपना उन्होंने बना रखा है रूट इतना हमें वॉक करना है। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो जेडी मुसाफिर मार्ग तक भी वॉक करते हैं, और बहुत से जो भरतनगर का जो मोड़ आ जाता है वो तो मोड़ तक वॉक करते हैं। तो और अमूमन ये है कि अपने जाकिर नगर वेस्ट की साइड के जो लोग हैं, 11 नंबर गली, 10 नंबर गली और इसके आसपास के, वो जाकिर नगर वेस्ट के जितने भी लोग हैं वो सारे वॉक के लिए वही रूट को अपनाते हैं। और उस रूट पर लोग ये स्नेचर देखते हैं कि रात में अकेले में जाता है, और आजकल फ़ोन जो है इंसान की ज़रूरत है। अब इंसान वॉक करता है तो सोच लेता है अपने किसी कॉन्टैक्ट, अपने फ्रेंड्स को या वही कोई भी बिजनेस रिलेटेड पर्सन को, किसी से भी फ़ोन पे बात करने लग जाता है और वॉक की वॉक भी कर लेता है साथ के साथ। तो उसी का ये फ़ायदा उठाते हैं कि लोग अक्सर यहाँ पे अकेले में 1 या 2 निकलते हैं वॉक करने के लिए, और उनको वो टारगेट कर कर फोन स्नैचिंग करते हैं लड़के यहाँ पर। कुछ दिन पहले भी एक वाकया हुआ था। हाँ, कुछ दिन पहले भी एक वाकया हुआ था, और आपने उनका वो भी स्टोरी भी की थी, तो उनके साथ भी यही हुआ था। वो भी अमूमन वॉक के लिए निकलते हैं जैसे कि उन्होंने बताया था, और उनके साथ भी इसी तरह का इंसिडेंट हुआ और उनका जो भी ये फ़ोन चोरी हो गया था, इसी तरह से स्नैचिंग कर लिया गया था। देखिए, ये वारदातें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि जो जाकिर नगर ढलान पे पुलिस पोस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पर अक्सर जो है काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि उसमें ताला लगा रहता है और वो बंद रहता है। पहले वहाँ पर वो खुला रहता था, वहाँ पे पुलिस अवेलेबल रहती थी, तो इस तरह के केसेस नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जब से वो पूरी तरह से बंद है तो इस तरह के केसेस आ रहे हैं। और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का जो आपका वहाँ पर एक बूथ बना हुआ है जो बिल्कुल भरत नगर के कट के सामने है, जेडी मुसाफिर रोड के बिल्कुल जस्ट सामने छोटा सा बूथ बना हुआ है अशोका पार्क की बाउंड्री के साथ में, तो वो भी उस पर भी पुलिस अवेलेबल नहीं है। अगर पुलिस अवेलेबल रहेगी तो इस तरह के केसेस नहीं होंगे।